गुड इवनिंग एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC हमीरपुर का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम हिमाचल जी के डिस्कस करेंगे। हम पहले भी कई बार HPSSC हमीरपुर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ब्रिज ओवर सतलुज नदी, इनमें से कौन सा ब्रिज सतलुज नदी पर नहीं है। तो कंद्रौर की बात करें तो कंद्रौर भी सतलुज नदी पर है, ये जिला बिलासपुर में है। सलापड़ की बात करें, सलापड़ भी सतलुज नदी पर है, ये मंडी और बिलासपुर की सीमा पर स्थित है। लूरी की बात करें तो लूरी भी सतलुज नदी पर है, शिमला और कुल्लू की बाउंड्री पर है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दीज। आगे चलते हैं, हु बिल्ट द महिमा लाइब्रेरी इन नाहन इन 1926, नाहन में महिमा लाइब्रेरी की स्थापना किसने की थी 1926 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अमर प्रकाश। अमर प्रकाश ने नाहन लाइब्रेरी की स्थापना की थी। हु रोट द बुक मुकलसर त्वारिकीय रियासत चंबा, मुकलसर त्वारिकीय रियासत चंबा किसने लिखी है। तो मुकलसर त्वारिकीय रियासत चंबा ग्रीव खान ने लिखी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रीव खान। और यहाँ कन्फ्यूज भी हो सकते हैं आपकी त्वारिकीय रियासत एक और बुक है, जो त्वारिकीय रियासत है, तारीखी जो रियासत है वो रंजौर सिंह ने लिखी है, लेकिन ये त्वारिक मुकलसर त्वारिकीय रियासत है चंबा, मुकलसर त्वारिकीय रियासत चंबा, तो ये ग्रीव खान ने लिखी हुई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रीव खान। बीच फ्रीडम फाइटर स्टैचू हैज़ बीन इंस्टॉल्ड इन द मिड ऑफ मंडी टाउन, मंडी कस्बे के मध्य में किस स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति स्थापित की गई है। मंडी कस्बे के मध्य हिरदाराम की मूर्ति स्थापित की गई है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हिरदाराम। दो करे का धान इज ए फेमस क्रॉप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वैली ऑफ HP, दो करे का धान हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस घाटी की प्रसिद्ध फसल है। तो दो करे का धान जो है तो पब्बर घाटी की प्रसिद्ध फसल है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पब्बर वैली, पब्बर वैली की प्रसिद्ध फसल है। द मेन टनल ऑफ नाथप्पा झाकड़ी प्रोजेक्ट इज फ्रॉम, नाथप्पा झाकड़ी परियोजना की मुख्य सुरंग कहाँ से निकलती है। तो नाथप्पा झाकड़ी परियोजना की जो मुख्य सुरंग है वो रतनपुर से मंगलपुर होती है, निकलती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रतनपुर से मंगलपुर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, रतनपुर से मंगलपुर। आगे चलते हैं, दियोली फार्म फॉर फिश ब्रीडिंग इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ बीच खड इन HP, हिमाचल प्रदेश में जो मछली प्रजनन केंद्र दियोली है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मछली प्रजनन केंद्र जो है दियोली वो बिलासपुर में स्थित है, ये एशिया का सबसे बड़ा मछली प्रजनन केंद्र है और ये अली खड के किनारे बसा हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अली खड, ये अली खड के किनारे बसा हुआ है। बीच प्लेस इज फेमस एज द पीच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश, कौन सा स्थान द पीच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश के रूप में प्रसिद्ध है। तो पीच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश के रूप में राजगढ़ प्रसिद्ध है, जो कि सिरमौर में। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। राजगढ़ को आड़ू की घाटी कहा जाता है, जो कि सिरमौर में है, और अंगूरों की भूमि रिब्बा को कहा जाता है, जो कि किन्नौर में है। आगे चलते हैं, इन विच ईयर लॉरेंस असलम वाज फाउंडेड इन सनावर नियर कसौली, कसौली के निकट सनावर में लॉरेंस आश्रम की स्थापना किस वर्ष हुई। तो कसौली के निकट सनावर में लॉरेंस आश्रम की स्थापना 1847 में हुई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1847। बाबा बनवारी दास वाज द फेमस संत इन द स्टेट ऑफ, बाबा बनवारी दास किस राज्य में प्रसिद्ध संत थे। कुल्लू, बी सिरमौर, सी बिलासपुर, डी सोलन। बाबा बनवारी दास जो था सिरमौर के प्रसिद्ध संत थे, सिरमौर के प्रसिद्ध संत थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सिरमौर। महामृत्युंजय टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, महामृत्युंजय मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो महामृत्युंजय मंदिर जो है मंडी जिले में स्थित है। इसका सही आंसर होगा मंडी जिला, ऑप्शन ए, मंडी में महामृत्युंजय मंदिर स्थित है। मंडी के और मंदिरों की बात करें, पंचवक्त मंदिर भी मंडी में है, त्रिलोकनाथ मंदिर भी मंडी में है, अर्धनारीश्वर मंदिर भी मंडी में है, जो प्राश ऋषि का जो टेम्पल है वो भी मंडी में है, और लोमस ऋषि का टेम्पल जो किरिवासरम है वो भी मंडी में है। वेयर इज द स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी लोकेटेड इन HP, स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है। तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जुंगा, जुंगा में जो है स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जुंगा में है। इन द एंशियंट टाइम विच लैंग्वेज वॉज स्पोकन बाई द मेजोरिटी ऑफ हिल पीपल, प्राचीन समय में अधिकांश पहाड़ी लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती थी। तो प्राचीन समय में अधिकांश पहाड़ी लोगों द्वारा कोलारियन बोली जाती थी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, कोलारियन बोली जाती थी। विच ऑफिसर ऑफ द आर्मी बिलोंगिंग टू HP बिकम चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ,
हिमाचल प्रदेश में आर्मी स्टाफ जो हिमाचल प्रदेश से संबंधित हैं वो कौन से व्यक्ति हैं जो आर्मी के चीफ सेना अधिकारी बने, जो आर्मी के सेना अधिकारी बने, चीफ सेना स्टाफ बने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वी एन शर्मा। वी एन शर्मा आर्मी के चीफ सेना अधिकारी बने। इन विच ईयर फर्स्ट नेशनल विंटर स्पोर्ट्स वर ऑर्गेनाइज्ड इन एचपी। हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष प्रथम राष्ट्रीय शीत खेल आयोजित हुए? तो हिमाचल प्रदेश में सन 2000 में प्रथम शीत वर्षीय खेल आयोजित हुए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फर्स्ट ले आगे चलते हैं। फर्स्ट लेडी स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा वाज। एचपी विधानसभा की पहली प्रथम महिला स्पीकर कौन सी है? तो एचपी विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर विद्या स्टोक्स है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विद्या स्टोक। तो ये हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लिया। आज के लिए इतना ही। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहें। कल हम फिर किसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के साथ आएंगे और उसको सॉल्व करेंगे, डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।